हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, इसीलिए हम आपको कहते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लें, लेटेस्ट ट्रेंड्स ज़रूर चेक करें, लेटेस्ट न्यूज़ ज़रूर चेक करें। क्योंकि क्या होता है, वही स्टॉक आने वाले टाइम में रैली करेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ वॉलेटाइल मार्केट में आपका जो पैसा है वो डूब भी सकता है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक और स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक की। आज हम बात करेंगे एफला विज़न ओवरसीज़ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक की। और ये जो कंपनी है FMCG सेक्टर में काम करती है, और फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो अल्फा विज़न ओवरसीज़ के स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है, 0.69% की रैली देखने को मिली है। और ये जो स्टॉक है 153.30 रुपीज़ के क्लोज़ हो गया है। तो आइए इसके सारे डिटेल एक एक करके चेक कर लेते हैं, इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी देख लेते हैं, और इसके फाइनेंशियल ग्रोथ भी चेक कर लेते हैं। एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें, और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले अल्फा विज़न ओवरसीज़ के स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज़ का डाटा देखें, यहाँ पे भी आपको अच्छी लीनियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। 1.83% की ग्रोथ लास्ट 5 डेज़ में देखने को मिली है। यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे और भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। 6.46% की रैली लास्ट 1 मंथ में देखने को मिली है। तो स्टॉक मार्केट में लास्ट 1 मंथ में भी थोड़ी रिकवरी देखने को जरूर मिली है, तो यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 6 मंथ का डाटा देखें, 24.94% के बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर सपोर्ट लेवल 100 का है, यहाँ से इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल शो कर दिया है। 1 ईयर का ग्रोथ पैटर्न देखें, 267% के मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ पैटर्न इस स्टॉक में पाया जा रहा है। तो 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 3 टाइम से ज़्यादा ग्रो कर दिया है। 5 ईयर्स में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 173% के रिटर्न्स हैं, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 1131% के मल्टीपैगर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि इसमें लीनियर रिटर्न्स बने हैं, तो यहाँ पे भी आपको बड़ी बड़ी रैली भी देखने को मिलेगी और बड़े बड़े क्रैश भी देखने को मिलते रहेंगे। ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। तो आइए अल्फा विज़न स्टॉक का पहले फाइनेंशियल ग्रोथ देख लेते हैं। दोस्तों, मार्च 2022 के इसके जो नंबर्स आए हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है रैली देखने को मिल गई है इन द डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू देखें तो 21% की ग्रोथ शो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम देख लें, 18% की ग्रोथ है। EPS में भी 18% की ग्रोथ है। मार्जिन जरूर अंडर प्रेशर दिख रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम भी शानदार रैली शो करती आपको दिख जाएगी। तो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स इसके बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो आइए इस स्टॉक की एक लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है और FMCG सेक्टर में काम करती है, दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, 48.33 करोड़ का है। द कंपनी मेक्स हर्बल ड्रग्स एंड कंडक्ट्स द एग्रीकल्चर बिजनेस सर्विसेज। तो दोस्तों, एग्री बिजनेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी, और हर्बल ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने का काम भी करती है। एंड दिस कॉरपोरेशन हैज़ अनाउंस द सब डिविजन और स्प्लिट ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इन टू द इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच। तो दोस्तों, इस शेयर को स्प्लिट कर दिया जाएगा। इस कंपनी ने डिसीजन ले लिया है, इसके एक शेयर के बदले इसके इन्वेस्टर्स को 10 शेयर्स मिलेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, उनके जो शेयर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इससे क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट के साथ किसी भी स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और ये जो स्टॉक है वो भी अफोर्डेबल हो जाता है। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में और भी बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं, अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो आइए अब इस स्टॉक के थोड़े वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है।
और इसके फंडामेंटल्स भी थोड़े डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है, ये स्मॉल कैप कंपनी है और FMCG सेक्टर में काम करती है। तो यदि इस कंपनी का हम फेस वैल्यू शेयर की, जैसे अभी 10 की चल रही है, स्प्लिट होने के बाद इसकी जो फेस वैल्यू है ₹1 ईच हो जाएगी। और EPS देखें तो इस कंपनी का जो TTM EPS है वो 6.17 का है। यदि CEPS TTM देखें 6.38 की है। PE रेशो इसकी जो है 24 की चल रही है। प्राइस टू बुक रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है, 1.17 की है। ROE परसेंटेज जो है वो 4.72 की चल रही है। तो फंडामेंटल्स आर लुकिंग डिसेंट, तो डिसेंट वैल्यूएशन जो है वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएंगी। तो आइए इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके नंबर्स फ्लैट ट्रेंड शो कर रहे हैं। आज इस कंपनी के डिलीवरी की पोजीशन देखें तो 70% के अराउंड आज इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। इस स्टॉक में जो है क्वांटिटी ट्रेडेड है 13,834 की है और डिलीवरेबल क्वांटिटी 9,807 की है। तो 71% के अराउंड इस स्टॉक में डिलीवरी आज देखने को मिली है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, अच्छी डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है, अच्छी अकोमोडेशन इस स्टॉक में चल रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। इसके फंडामेंटल्स भी डिसेंट दिख रहे हैं। अब इस स्टॉक में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है। कंटिन्यूसली इसके स्टॉक में अब अच्छे ट्रेंड्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। जैसे लास्ट 1 ईयर का आप डाटा देखोगे, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, मार्च 22 के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो अब ये जो कंपनी है वो स्टॉक स्प्लिट भी अपने इन्वेस्टर्स को देने जा रही है और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, उनके नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो लॉन्ग रन में इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ने के कारण इस स्टॉक में आने वाले टाइम में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको एक बात नोट करके चलनी होगी, शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जैसे ही कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसमें आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। कुछ टाइम की कंसोलिडेशन के बाद फिर दोबारा जो है वो रैली देखने को मिलेगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म की कोई भी पोजीशन बनाने से बचें, इस स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग टर्म होरिजन लेके चलें तो ही आपको अच्छे ट्रेंड्स, अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक में मिल पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी वॉलीटिलिटी भी इस स्टॉक में पाई जा रही है। पहले आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था 2015 में, 15 के बाद कंटिन्यूसली इसके स्टॉक में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट कुछ ईयर से, स्पेशली 2021 के बाद इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट, बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है इस कंपनी की परफॉर्मेंस स्लोली स्टेडली इंप्रूव हो रही है, इसके नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं और इसके फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में यदि इसके जून क्वार्टर के नंबर्स बढ़िया रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो इस स्टॉक में बढ़िया टारगेट भी आपको हिट होते दिख सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होरिजन लेके इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। तो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके डिटेल एनालिसिस जरूर चेक कर लेने चाहिए, किसी स्टॉक के फंडामेंटल जरूर जान लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एक डायरेक्शन में पैसा नहीं बनता है और पेशेंस के साथ ही पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा ही हमारा जो है इस चैनल में मानना है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को पेशेंस को जो है वो सिखाएँ, क्योंकि पेशेंस के साथ ही लॉन्ग रन में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो एंड में हम आपको यही कहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, यहाँ पे हम आपको लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी प्रोवाइड करते रहते हैं और यहाँ पर हम आपको मल्टीवैगर स्टॉक्स भी बताते हैं, क्योंकि यदि आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाओगे, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक सेलेक्ट करोगे, फिर ही यहाँ पे पैसा बन सकता है।